नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर एक बार फिर झाड़ू लगा दिया है। कुल पड़े मतों का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली का ताज पहनेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के बाद दिल्ली ने साबित किया है कि विधानसभा चुनाव में जनता स्थानीय मुद्दों को तरजीह देती है। शाहीन बाग का मुद्दा भले ही गले नहीं उतरा हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत जरूर की है। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार शाहीन बाग पर धारदार बयानबाजी करने वाले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनाव नतीजों के बाद हार स्वीकार करते हुए कहा कि हम नतीजों पर गौर करेंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली वाले फ्री के प्रभाव में बह गए। हम 5 साल दिल्ली की जनता के मुद्दों को विपक्ष के रूप में उठाते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। दिल्ली में जीत का दावा करने वाली बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन पर हमला किया है कि हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो योगी जी हैं, जहां जहां गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अखिलेश ने कहा, दिल्ली की जनता को बधाई। राजनीति में बहुत मुश्किल होता है कि काम के आधार पर चुनाव जीतना। दिल्ली का फैसला देश की राजनीति को विकास के रास्ते पर ले जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी के विनाश का रास्ता है उसको रोकेगा। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद मनीष सिसोदिया ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। इस दौरान यहां भाजपा और आप के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही थी। 11वें राउंड की गिनती के बाद सिसोदिया 556 वोटों से आगे निकले और जीत हासिल की। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी सिकंदर बनकर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी 62 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भाजपा सिर्फ 7 सीटों पर अटकी हुई है। अभी तक के रुझानों से साफ है कि अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जन्मदिन है। आज ही के दिन आम आदमी पार्टी को जीत का तोहफा मिला है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के दफ्तर में ही अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दिल्ली सीएम समर्थकों के बीच आए। यहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों, कमाल कर दिया आप लोगों ने। दिल्ली वालों ने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया है। ये हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझा और समर्थन दिया। दिल्ली के लोगों ने देश में नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम काम की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल बोले कि दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया है कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा, जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। यही राजनीति देश को 21वीं सदी में ले जाएगी। ये जीत भारत माता की जीत है। दिल्ली सीएम ने कहा कि आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बाद में खुली जीप में केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए और खुली जीप में रोड शो किया। दिल्ली के मटिया महल सीट से आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल जीते। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से राघव चड्डा, तिलक नगर से जरनैल सिंह, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, मोती नगर से शिवचरण गोयल और सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अहलावत ने जीत दर्ज की। दिल्ली की लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी के अभय वर्मा और गांधीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अनिल वाजपेयी जीत गए हैं। अनिल वाजपेयी करीब 6000 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही हरिनगर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार तजिंदर सिंह बग्गा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किया और अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।